एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं दीपा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एक प्रोडक्ट रिव्यू और वो प्रोडक्ट है मामा अर्थ का शैम्पू और कंडीशनर। ये है हैप्पी हेड शैम्पू और ये है नो मोर टैंगल्स कंडीशनर। इन दोनों प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है, जो ये ऊपर की लेबलिंग है वो चेंज हो गई है। अभी जो लेबलिंग है वो नई है, पर प्रोडक्ट एज इट इज़ है। मैंने इंग्रेडिएंट लिस्ट अभी जो प्रोडक्ट है उसका भी चेक किया है और दोनों भी प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली सेम है। अभी जैसे हैं वैसे ही, पास्ट में भी ऐसे ही थे। अगर आप लोग मेरे वीडियोस पहले से देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं मामाअर्थ के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हूँ, अपने लिए भी और अपनी बेटी के लिए भी। और अब एक ऐसा टाइम आया था जब मैं मामाअर्थ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करने लगी थी और थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगी थी। पर इस प्रोडक्ट के जब मैंने स्टडी करना स्टार्ट की तो मुझे पता चला कि ऐसा करना सही नहीं है। और जैसा ये लोग बिल्कुल क्लेम करते हैं, बिल्कुल 100% ट्रू ये भी नहीं है। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ करिएगा लाइक। अगर मेरी की हुई मेहनत आपको पसंद आती है तो इसको कई लोगों के साथ शेयर करिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आप आगे भी ऐसे वीडियोज़ देख सकें। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का क्लोज व्यू। ये है मामा अर्थ का हैप्पी हेड शैम्पू और ये है नो मोर टैंगल्स कंडीशनर फॉर मामा। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। दोनों में भी जो कंडीशनर है उसमें सिलिकॉन नहीं है और बहुत सारे कंडीशनर्स में सिलिकॉन होता है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी था, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। दोनों भी प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और दोनों भी प्रोडक्ट जो है वो ऑल हेयर टाइप्स के लिए सूटेबल है। ये 200 ml की पैकेजिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। दोनों की जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है नवंबर 2017 और एक्सपायरी डेट है अक्टूबर 2019, यानी कि इसकी शेल्फ लाइफ है लगभग 2 साल, जो कि अच्छी शेल्फ लाइफ है। प्राइस दोनों का भी 349 रुपीज़ है और 349 रुपीज़ बहुत ज़्यादा मुझे कॉस्टली नहीं लगता है। मेरे हिसाब से ये अफोर्डेबल है, कंसिडरिंग कि इसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स नहीं है और ये काफ़ी हद तक सेफ प्रोडक्ट्स है। इसमें है बायोटिन, हॉर्स चेस्टनट और आंवला, ऐसा इन लोगों ने सामने ही लिखा है। ये तीनों भी आपके बालों के लिए अच्छे होते हैं। अब हम चेक करेंगे इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट। जो शैम्पू है उसमें सबसे पहली चीज़ है अक्वा, यानी कि पानी। उसके बाद है इसमें ग्लिसरीन, उसके बाद है इसमें सोडियम और लॉरिल सार्कोसिनेट। ग्लिसरीन और पानी तो आप सबको पता है अच्छा होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोडियम लॉरिल सार्कोसिनेट जो है वो एक मॉडिफाइड फैटी एसिड होता है और फोमिंग और क्लिंजिंग एजेंट की तरह यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है इसको। ये जो इंग्रेडिएंट है ये उन प्रोडक्ट्स में नहीं होना चाहिए जिनमें एन नाइट्रोसो कंपाउंड्स होते हैं, बट क्योंकि इस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली सेफ है। उसके बाद है इसमें लैक्टिक एसिड, जो कि आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है और वो आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद है इसमें ऑलिव लीफ एक्सट्रैक्ट, और ऑलिव्स भी आपके बालों के लिए अच्छे होते हैं। इसके बाद है इसमें हॉर्स चेस्टनट एक्सट्रैक्ट है शैम्पू में। ये इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, उनके मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें सोडियम कोको एम4डी एसीटेट, और ये भी एक्सट्रीमली माइल्ड सर्फेक्टेंट है। ये भी एक फोमिंग और कंडीशनिंग एजेंट की तरह यहाँ पे यूज़ किया गया है और ये बहुत जो सेंसिटिव स्किन की जो फॉर्मुलेशंस होती हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी कम्प्लीटली सेफ है। उसके बाद है इसमें लिनोलिक एसिड, जो कि एक ओमेगा 6 फैटी एसिड का पार्ट है और बहुत सारे वेजिटेबल ऑयल्स में होता है, नेचुरली भी आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है। और इसको यहाँ इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये मॉइस्चर को रिटेन करता है, जो कि आपके बालों के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है बायोटिन, वो भी आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि आपके बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। वो एक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, प्रमोट करता है। इसके बाद है इसमें पोटेशियम सॉर्बेट, जो कि एक प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल किया गया है, और क्योंकि इस प्रोडक्ट में पैराबेंस नहीं है जो कि प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ पे उसकी जगह पे इस्तेमाल किया गया है पोटेशियम सॉर्बेट का, जो कि एक बहुत ही माइल्ड प्रिजर्वेटिव है और कम्प्लीटली सेफ है। और इसके बाद इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सभी 100% नेचुरल हैं और आपके बालों के लिए अच्छे होते हैं, जैसे कि इसमें विटामिन ई, विटामिन ए, आंवला फ्रूट पाउडर एक्सट्रैक्ट, भृंगराज पाउडर एक्सट्रैक्ट, और ये दोनों भी आई एम श्योर इंडियंस को पता होंगे कि बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है इसमें कुछ एसेंशियल ऑयल्स, जैसे कि क्लेरिसेज एसेंशियल ऑयल, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल और ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं आपके बालों के लिए, पर सभी आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि ये इसमें थैलेट्स नहीं है, डाई नहीं है, पैराबेन नहीं है और SLS नहीं है। ये सभी चीज़ें बहुत ही हार्मफुल होती हैं आपके हेल्थ के लिए, आपके बालों के लिए, तो वो इसमें नहीं है, ये एक अच्छी बात है। प्रोडक्ट पे और एक यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये जेंटली क्लींस करता है, स्काल्प को नरिश करता है और इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है।
यहाँ पे जो की इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं उसमें तो कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पर मुझे एक प्रॉब्लम ये लगी कि इन्होंने की इंग्रेडिएंट्स ऐसे क्यों लिखा है। अगर इन्होंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं तो यहाँ पे की इंग्रेडिएंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं थी। की इंग्रेडिएंट्स का मतलब है कि जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ इसमें हो जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, और ये मैंने नोटिस किया अभी इस प्रोडक्ट के रिव्यू करने के वक्त ही मैंने इस चीज़ को नोटिस किया। इसके पहले मैंने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया था। जैसे कि आप ये ममाअर्थ का टूथपेस्ट देख सकते हैं, जो कि किड्स के लिए टूथपेस्ट है, यहाँ पे पीछे सिर्फ इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है, की इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन हैं, जो भी इसमें है वो सब कुछ यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है। पर या इसके साथ ऐसा नहीं लगा मुझे, तो मुझे वो एक चीज़ थोड़ी डाउटफुल लगी, प्रॉब्लमेटिक लगी। अब हम चलेंगे कंडीशनर के रिव्यू पे। कंडीशनर भी आप देख सकते हैं, नो मोर टैंगल्स कंडीशनर फॉर ममा। इसमें मिल्क प्रोटीन, कोको बटर और फेनुग्रीक जैसी चीज़ें हैं जो आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, और ये भी 200 ml की पैकेजिंग है। और यहाँ पे अब इसके अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसमें फ़्थैलेट्स, डाई, पैराबेन और SLS जैसी चीज़ें नहीं हैं। इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है इसमें एक्वा और ग्लिसरीन, दोनों भी चीज़ें कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इसके बाद है इसमें सीटोस्टेरॉल अल्कोहल, जो कि ख़राब नहीं होता है। बहुत सारे अल्कोहल जो होते हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स में होते हैं, और अल्कोहल अच्छा नहीं होता है आपके बालों के लिए। पर जो रेगुलर अल्कोहल्स होते हैं जैसे कि इथेनॉल, वैसा ये नहीं है। उन सबसे ये अल्कोहल जो होता है वो अलग होता है। ये सिटाइल अल्कोहल और स्टेराइल अल्कोहल से बना होता है, और ये दोनों भी जो अल्कोहल हैं ये नेचुरल चीज़ों में पाए जाते हैं। तो ये जो है वो सेफ अल्कोहल है, और ये लैब में भी बनाया जा सकता है। ये सेफ है, और एक फूड एडिटिव की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टॉक्सिक बिल्कुल भी नहीं है, और नॉन म्यूटाजेनिक है। नॉन म्यूटाजेनिक का मतलब है कि एक ऐसा केमिकल जो आपके DNA को चेंज नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके DNA को भी चेंज करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना हार्मफुल होगा आपके शरीर के लिए। उसके बाद है इसमें स्टीरेथ 21, और ये भी एक लो हज़ार्ड इंग्रेडिएंट है, यानी कि ये टॉक्सिक नहीं है। और सीटोस्टेराइल अल्कोहल की तरह ही ये भी इमल्सिफायर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है इसमें सेट्रीमोनियम क्लोराइड। अगर आपने मेरा वाओ शैम्पू और कंडीशनर का रिव्यू देखा है तो आपको पता होगा कि उसके कंडीशनर में भी ये इंग्रेडिएंट प्रेजेंट था, सेट्रीमोनियम क्लोराइड। और मैंने वहाँ पे बताया था कि ये इंग्रेडिएंट जो है वो सेफ़ नहीं है, 100% सेफ नहीं है, बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है, ऐसा नहीं है। मॉडरेटली हजार्डस इंग्रेडिएंट है ये, कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इसके भी होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पे इन्होंने जो सेट्रीमोनियम क्लोराइड लिखा है, अपने वेबसाइट पे भी ये लोग अपनी कंप्लीट लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स मेंशन करते हैं हर प्रोडक्ट की, और उसके सोर्स को भी बताते हैं। पर इस इंग्रेडिएंट के बारे में उनकी कंप्लीट लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स में मेंशन नहीं है। यही चीज़ थी जिससे मुझे लगा कि मुझे इस ब्रांड पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बट डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा हजार्डस इंग्रेडिएंट है। बस मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये उनकी लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स में मेंशन क्यों नहीं था। बट येस, ये 100% सेफ इंग्रेडिएंट भी नहीं है। जैसे बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने आपको बताया वो 100% सेफ है, बिल्कुल लो हजार्ड इंग्रेडिएंट है, बट इसके साथ ऐसा नहीं है। इसके बाद है इसमें कोको बटर और शिया बटर, दोनों भी बटर ऑब्वियसली उनके कंडीशनिंग और मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए ऐड किया गया है, और ये 100% नेचुरल है तो बिल्कुल सेफ है। इसके बाद है इसमें पोटेशियम सोर्बेट, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, बहुत माइल्ड प्रिजर्वेटिव है और सेफ होता है। इसके बाद है इसमें डी पैंथेनॉल, जो कि विटामिन B5 से डिराइव किया जाता है और एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। यह आपके बालों की अपेयरेंस को बेहतर करता है, और ये भी 100% सेफ है। इसके बाद है इसमें बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो आपके बालों के लिए अच्छे होते हैं, आप सबको पता होंगे, जैसे कि आंवला एक्सट्रैक्ट, मिल्क प्रोटीन, फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट और टी ट्री एसेंशियल ऑयल, लेमन एसेंशियल ऑयल, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल और सिडारवुड एसेंशियल ऑयल। ये सभी एसेंशियल ऑयल के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, और बालों के लिए बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। तो ये सभी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेफ हैं और नेचुरल हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों प्रोडक्ट्स ने मेरे लिए काम कैसा किया। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ शैम्पू की। शैम्पू में सल्फेट नहीं है, यानी कि इसमें झाग ज़्यादा नहीं बनती है। बट स्टिल जब भी मैं हैवी ऑयलिंग करती हूँ उसके बाद भी अगर मैं इसका इस्तेमाल करती थी तो भी ये बालों को अच्छे से क्लीन कर देता था, ऑयल को अच्छे से रिमूव करता था। पर अगर ऑयलिंग नहीं की है तो एक ही बार करना पड़ता है, और अगर मैंने ऑयलिंग की है तो मुझे 2 बार शैम्पू का इस्तेमाल करना पड़ता है। और एक चीज़, बहुत सारे शैम्पूज मैंने पास्ट में ऐसे यूज़ किए हैं जिनको इस्तेमाल करने के बाद जो बाल हैं वो ज़्यादा ड्राई और रफ हो जाते हैं, पर इसके साथ ऐसा नहीं है। ये
मेरे बालों की जो नेचुरल फॉर्म है उसको मेंटेन करता है, तो मुझे ये शैम्पू पसंद है। दूसरा है कंडीशनर, तो कंडीशनर में भी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स नहीं हैं, तो कंडीशनर भी सेफ है। इसमें थोड़ी क्वांटिटी अभी बाकी है क्योंकि मैं कंडीशनर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। कंडीशनर जो है वो थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी का है और बहुत ही क्रीमी कंसिस्टेंसी का है, बिल्कुल जो एक क्रीम होती है वैसी कंसिस्टेंसी है इसकी। बहुत अच्छे से आपके बालों को कंडीशन करता है ये, जो इस पे मेंशन है कि ये ड्राई और रफ बालों को, फ्रीजी बालों को ठीक करता है, वो इनका जो क्लेम है वो सही है ये। और एक चीज़, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है आपको, या फिर आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं, और उसके लिए अगर आप इस शैम्पू या फिर कंडीशनर का यूज़ करेंगे तो ये आपके बालों के झड़ने को रोकेगा, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैं ऐसा बिलीव नहीं करती हूँ। मेरे हिसाब से एक शैम्पू या फिर कंडीशनर आपके हेयर फॉल को रोक नहीं सकता है, बट येस, शैम्पू और कंडीशनर का अच्छा होना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो आपके हेयर फॉल को और बढ़ाए नहीं, आपके बालों को जो आप उनका जो नेचुरल स्ट्रक्चर है, जो नेचुरल फॉर्म है, उसको ख़राब ना करें। अगर आप ऐसे शैम्पू या कंडीशनर यूज़ करते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स हैं, तो वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उसके आपके हेल्थ पे भी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको दिखते हैं, और आपके बालों के कंडीशन को तो वो ऑब्वियसली वर्स करता है, और हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ की अगर आपको प्रॉब्लम है तो उस केस में तो आपको बिल्कुल भी ऐसे शैम्पूज़ या कंडीशनर यूज़ नहीं करने चाहिए। अगर आपको हेयर फॉल हो रही है तो वो कोई भी शैम्पू या कंडीशनर मेरे हिसाब से ठीक नहीं कर सकता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आपके स्कैल्प इश्यूज़ को ठीक करें। अगर आपको इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि थायरॉयड PCOD जो प्रॉब्लम है, उसमें भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, जो कि मुझे है और मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। कई बार मेरे को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, अगर मेरा थायरॉयड जो है वो ऊपर नीचे हो जाए तो हेयर फॉल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर ऐसी कोई इंटरनल इश्यू है आपको, तो उसको भी आपको ठीक करना ज़रूरी है, आपको उस पर काम करना चाहिए। आपके ईटिंग हैबिट्स को हेल्दी रखिए, डाइट को हेल्दी रखिए, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करिए, और स्कैल्प को नरिशिंग और अच्छे हेयर ऑयल्स और हेयर मास्क इस्तेमाल करिए अपने बालों के लिए, तभी आपके हेयर फॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। पर शैम्पू और कंडीशनर की मदद से तो मेरे हिसाब से हेयर फॉल को ठीक करना पॉसिबल नहीं है, बट यस, बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे शैम्पू और कंडीशनर इस्तेमाल करें ताकि वो आपकी प्रॉब्लम को और बढ़ाएं नहीं। वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है आज की। अगर ये प्रोडक्ट रिव्यू आपको पसंद आया है तो मेक श्योर वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं जल्द आपको मिलूंगी अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।